अगले लेक्चर पे आ रहे हैं। अगला लेक्चर है, ये ट्वेल्थ का टॉपिक है और हम लोग इसके पिछले लेक्चर में 112 लेक्चर नंबर में ट्वेल्थ का ही 3-4 टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें आपको टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे जो कि ट्वेल्थ बोर्ड पर बेस्ड था, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड या फिर उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि और भी 2-3 टॉपिक था हमको लगता है, लूमिंग के बारे में डिस्कस किए थे, उसके बाद फिर मिराज के बारे में डिस्कस किए थे, तो ये सारा टॉपिक डिस्कस किए थे। ये भी एक ट्वेल्थ का टॉपिक है जिसका नाम है रेनबो। रेनबो क्यों होता है? रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। यहां पर तीनों होता है। आपको ये बताया था कि ट्वेल्थ में जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो फेनोमेना है ये किस प्रोसेस के कारण है। तो ये रेनबो जो है उसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, तीनों होता है। रेनबो 2 तरह का होता है, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। तो हम लोग पहले प्राइमरी रेनबो के बारे में देख रहे हैं। प्राइमरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। प्राइमरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। ये होता कैसे है जरा बात को समझते हैं। रेनबो जो आपको दिखता है वो बरसात के दिनों में जब पानी बरस जाती है और एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट होता है और उसके बाद जब सन जब खिलता है, निकलता है, तो आपको रेनबो दिखता है। ठीक है, अब रेनबो जो है आप फाउंटेन से भी देख सकते हैं। आप मुंह में पानी लीजिए और जहां धूप है वहां पर फव्वारा छोड़िए ऐसे करके, तो देखो उसमें डिफरेंट कलर दिखेगा, अलग अलग कलर दिखेगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर बरसात का दिन नहीं है, आज ही रेनबो देखना है तो बहुत अच्छा है। अपने जहां पर सनलाइट है वहां पर आप मुंह में पानी लीजिए और उसको फव्वारा के रूप में छोड़िए, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एटमोस्फियर में आए तब आपको रेनबो दिखेगा। क्यों दिखता है इसके बारे में जरा देखते हैं। सपोज करो कि सन तो बहुत दूर है अर्थ से, तो अर्थ पर जो भी रेज आएगा सन रेज उसको हम लोग पैदल कर सकते हैं। ये सपोज करो ड्रॉपलेट है, एक ये है और होगा, फिर होगा, फिर होगा, तो दो हम आउटर ड्रॉपलेट को लिए हैं। अगर ये एक सन रे इस ड्रॉपलेट के अपर हाफ पर, ये जो ड्रॉपलेट है उसका सेंटर ये है, उसका अपर हाफ ये है, अपर हाफ पर जब ये सन रे इंसिडेंट होगा तो इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये 7 कलर में डिस्पर्स होता है। कोई भी रे जब किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, दूसरे मीडियम में जाता है तो वो 7 कलर में डिस्पर्स होता है, इस फेनोमेना को डिस्पर्सन कहते हैं। ये वाला जो 7 कलर है जब इस सरफेस पर पड़ेगा तो इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल, आप ड्रॉ करिए, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये होगा। ये जो रेड है उसका डेविएशन सबसे कम होगा, रेड का डेविएशन सबसे कम होगा तो ये सबसे ऊपर इंसिडेंट होगा, और वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा तो ये सबसे नीचे इंसिडेंट होगा। अब नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा होगा और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सबसे कम होगा। हम केवल 2 एक्सट्रीम रे को ले रहे हैं, वैसे तो 7 रेज होता है, यहां पर दिखाए 3 है, आप कंसीडर केवल 2 को करिए, एक टॉप मोस्ट को और एक बॉटम को, बाकी जो निकलेगा वो उसी दोनों के बीच में होगा। तो ये रेड कलर जब यहां पर इंसिडेंट हुआ और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल वाटर के लिए 42 डिग्री होता है, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तब यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसका भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दोनों रिफ्लेक्ट करके आया, ये भी रिफ्लेक्ट करके आया,
तुमको सर अगर क्रिटिकल एंगल से कम पर इंसिडेंट हुआ तब? हम बोले अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो ये रेड कलर यहां से बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो वो तुमको नहीं दिखेगा। भाई आप ऑब्जर्वर यहां पर है, ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस पर ये ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर को नहीं, हम केवल आई को दिखा रहे हैं, और आई जो है वो तो एक पॉइंट है। आपका आई जो है वो पॉइंट है। अगर यहां से 1 किलोमीटर ऊपर आप रेनबो देख रहे हैं तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये जो आई है उसको पॉइंट आप मान सकते हैं। तो आई का पोजीशन यहां है। अब जो रे यहां से बाहर निकल गया तो उसका चर्चा ही नहीं करना, क्योंकि वो तो आई को दिखेगा नहीं। जो रे रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ ये रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर फिर से रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलेगा। तुम कहोगे सर रिफ्रैक्ट हुआ लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी तो हो जाएगा, हम जो रिफ्लेक्ट हो गया उसका हम चर्चा काहे करें? जो रे आई के पास पहुंचेगा हम उसका चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी के कारण वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये वाला रे जो यहां से ऐसे निकला वो ऐसे, उसी तरह से इसके नीचे ड्रॉपलेट होगा, फिर ड्रॉपलेट होगा, फिर ड्रॉपलेट होगा। ये सबसे नीचे वाला ड्रॉपलेट है, यहां पर भी सन रे ऐसे इंसिडेंट हुआ। ये रेड कलर है, ये वायलेट कलर है, इसके बीच में सातों कलर होगा। यहां से जब बाहर निकलेगा तो ये रेड है, और यहां से ये वायलेट है। यहां से जो वायलेट कलर बाहर निकला और यहां से जो रेड कलर बाहर निकला, क्योंकि रेड कलर जो है वो सबसे नीचे होगा और इसमें वायलेट कलर सबसे ऊपर होगा। भाई सब में जितना भी ड्रॉपलेट है उस सब में रिफ्रैक्शन एक ही जैसा हो रहा है। यहां भी वायलेट सबसे ऊपर, रेड सबसे नीचे, यहां भी वायलेट सबसे ऊपर, रेड सबसे नीचे। अब ये जो दोनों कलर है, ये दोनों कलर इस आई में एक साथ इंटर किया, ये देखो। तो इस आई को ये वाला जो है वो रेड दिखेगा और ये वाला जो है वो वायलेट दिखेगा। अब सवाल है कि तुम कहोगे सर इसका जो रेड दिखा इसका वायलेट भी तो दिखेगा। अरे भाई इसका रेड यहां से ऐसे निकला, ये वायलेट यहां से ऐसे निकल करके आया। इस दोनों के बीच में अगर एंगल 1 डिग्री भी है या आधा डिग्री भी है तो वो आधा डिग्री यहां तक 1 किलोमीटर आते आते तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई दो लाइन है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, और यही ये एंगल अगर सपोज करो 0.5 डिग्री है तो 1 किलोमीटर दूर जाएगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। आई जो है वो तो पॉइंट है। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसका जो रेड निकला है इसके जो जस्ट नीचे ड्रॉपलेट होगा उसका जो अगला कलर निकलेगा येलो निकलेगा, उसके नीचे वाले का ग्रीन, उसके नीचे वाले का मींस इसी तरह से सबसे ऊपर वाले का रेड और सबसे नीचे वाले का वॉयलेट वो एक जगह पर आ सकता है, जैसे यहां पर आया। अब कहो कि इसी से वॉयलेट भी और इसी से रेड भी यहां पहुंचे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि एक विड्थ होगा ऐसे एटमोस्फियर में, उस विड्थ में सबसे ऊपर रेड दिखेगा, सबसे ऊपर वाला पोर्शन। जैसे जैसे नीचे आएंगे कलर चेंज होता जाएगा और सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है वो वॉयलेट दिखेगा, क्योंकि रेड से जो रे आ रहा है और वॉयलेट से जो रे आ रहा है वो एक जगह पर मिल सकता है, लेकिन एक ही ड्रॉपलेट से कोई दो रे जो है वो एक जगह पर नहीं मिल सकता। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको इसी तरह से लिखना होगा। मतलब जब इसके बारे में लिखना है तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, और एक बार यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ। कैसा रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बात लिख दीजिए, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए, बस काफी है। अब इसके बाद सेकेंडरी रेनबो क्या होता है उसका जरा डायग्राम आपको दिखा देते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी रेनबो के बारे में देख रहे हैं। सेकेंडरी रेनबो में दो रिफ्रैक्शन और दो रिफ्लेक्शन होगा। इसमें आउटर एज वायलेट दिखेगा और इनर एज रेड दिखेगा। प्राइमरी में क्या था? आउटर एज ऊपर वाला ये रेड दिख रहा था और इनर एज वायलेट दिख रहा था। इसमें उल्टा है, आउटर एज वायलेट दिखेगा और इनर एज रेड दिखेगा। कैसे? इसमें होता क्या है?
एटमोस्फियर में ये जो ड्रॉपलेट है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, हम एक एक इसको और एक सबसे नीचे वाले को लिए हैं, जितने में रेनबो आपको दिख रहा है। हालांकि रेनबो तो भाई इससे ऊपर भी ड्रॉपलेट होगा, इससे नीचे भी ड्रॉपलेट होगा, लेकिन वो आपको रे कब दिखेगा, जब वहां से कोई रे तुम्हारे पास आएगा। इसके ऊपर जो रे है, इस पर लाइट इंसिडेंट हुआ, उससे रिफ्लेक्ट होकर के आया और इधर से निकल गया, या इससे नीचे जो आया वो नीचे से निकल गया, सब रे, तो वो आपको नहीं दिखेगा। रेनबो जो दिखता है एक विड्थ में ही दिखता है, क्योंकि आपका जो आई है वो जितने जितना ड्रॉपलेट से रे को रिसीव किया है उतना ड्रॉपलेट का विड्थ दिखेगा। इसमें होता क्या है, सो देखिए, जो सेकेंडरी रेनबो है इसमें जब सन रे लोअर हाफ पर इंसिडेंट होता है, ये जो सेंटर है उससे लोअर हाफ पर ये सन रे है जो कि सन से आ रहा है, ये जब लोअर हाफ पर इंसिडेंट होगा तो ये 7 कलर में डिस्पर्स होगा। हम 2 कलर दिखाए हैं, एक रेड और एक वायलेट। रेड कलर का कम डेविएशन होगा, वायलेट का ज्यादा होगा, तो रेड यहां पड़ेगा, वायलेट इससे ऊपर पड़ेगा। अब अगर यहां रिफ्लेक्शन हुआ, यहां भी रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इस ये यहां और ये यहां पर, ये अगर ऊपर है तो इधर भी ऊपर जाएगा, ये इधर भी नीचे रहेगा। तो एक बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ, दूसरी बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ। अब उसके बाद जब ये यहां से बाहर निकला, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन होना तो एम नहीं, एम तो है कि जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जर्वर के पास आई रे कैसे पहुंच रहे। तो जब लोअर हाफ में इंसिडेंट होगा तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद जब इस पर इंसिडेंट होगा तो ये पहले था इसलिए यहां भी पहले, ये बाद में था यहां भी बाद में, ये वाला जो रे है ये अब नीचे रहेगा और ये रे ऊपर रहेगा। वहां पर क्या होता था कि जब अपर हाफ में पड़ता था तो नीचे कौन सा रहता था, रेड, ऊपर कौन सा रहता था, वायलेट। तो इसका रेड और इसका वायलेट वो एक जगह हो जाता था और उसके बीच में जितना भी ड्रॉपलेट है उसमें से अलग अलग कलर, 7 कलर वो निकलता था और वो सब एक जगह हो जाता था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि नीचे वायलेट होगा और ऊपर रेड होगा। उसी तरह से इसमें आप देखिए, सेम जैसा केस इसका दिखा है। अब इसमें ऊपर रेड है और इसमें नीचे वायलेट है, तो एक जगह पर कौन सा पहुंचेगा, इसका रेड और इसका वायलेट। इसके बीच में जितना भी कलर, जितना भी ड्रॉपलेट्स है, हम केवल 2 ड्रॉपलेट दिखाएंगे, दोनों ड्रॉपलेट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा ड्रॉपलेट होगा। अब ऊपर ऊपर में 3 ड्रॉपलेट से जो रेड निकल रहा है, या उसके बाद वाले से जो येलो निकल रहा है, उसके बाद से जो ग्रीन निकल रहा है, तो वो सब आपके पास यहां पर एक ही पॉइंट पर पहुंच गए। यहां पर क्या हो रहा है कि ऊपर वाले से वायलेट और नीचे वाले से रेड एक ही जगह पर पहुंचा, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको ऊपर वायलेट दिखेगा और नीचे रेड दिखेगा, इसलिए इसको सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। सेकेंडरी रेनबो क्योंकि मैक्सिमम केसेज में वही दिखाई देता है, वो फ्रीक्वेंट है। इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन होना ये जल्दी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए दिखेगा भी तो फेंट दिखेगा, उतना क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि जितना बार रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा उतना ही बार एनर्जी का लॉस होगा। आप देखो ना, ये जो रे यहां इंसिडेंट हुआ है तो ऐसा थोड़े है कि सब रे इसमें इंटर कर गया, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट किया। अब जो रिफ्लेक्ट किया है वो तो व्हाइट लाइट है, तो उसके कारण तो आपको रेनबो दिखेगा नहीं। अगर व्हाइट लाइट किसी पर इंसिडेंट हो और व्हाइट लाइट ही रिफ्लेक्ट कर जाए तो वो तो उसका एक्चुअल कलर दिखेगा। तो यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां पर भी जितना भी रे इंसिडेंट हुआ है वो सबका सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़े हो रहा है। जो 42 डिग्री से ऊपर पर इंसिडेंट होगा उसी का रिफ्लेक्शन होगा, बाकी तो रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकल गया। यहां से जितना आया वो सब का यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर एंगल 42 डिग्री है, अगला में एंगल जो है वो अगर कम हो जाए 38 डिग्री हो जाए, क्योंकि जितना भी रे यहां पर इंसिडेंट हुआ है यहां से यहां तक वो सब जो है यहां पर जब इंसिडेंट होगा तो सब उसी एंगल पर इंसिडेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितना बार रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा उतना ही बार एनर्जी का लॉस होगा। इसके इसको कब दिखेगा, जब इसके पास रे आएगा, तो यहां रे जो है ये 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचा है, इसलिए इसका इंटेंसिटी कम होता है, ये फेंट दिखता है। लेकिन प्राइमरी रेनबो जो है वो इंटेंस दिखता है, उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है। तो
तो ये दोनों के बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, दोनों डायग्राम आप बना दीजिए और इसको लिख करके चार लाइन लिख दीजिए, तो रेनबो कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेनबो जो है वो सेमी सर्कुलर क्यों दिखता है। इसका कारण ये है कि जब आप अर्थ से देखते हैं रेनबो को, अर्थ से, तो सपोज करो कि शाम के समय में बरसात हुआ, तो शाम के समय में सूरज जो है वो वेस्ट पश्चिम में रहता है, और जब आप पश्चिम में सूरज है तो आप इधर देखेंगे पूरब के तरफ, तब आपको रेनबो दिखेगा क्योंकि सन से रे आकर के ड्रॉपलेट पर इंसिडेंट होगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे पास आएगा। अब जिस ड्रॉपलेट से रेड कलर तुम्हारे पास आएगा वो रेड दिखेगा, और जिससे वॉयलेट आएगा वो वॉयलेट दिखेगा। उसी तरह से एक विड्थ में रेड से वॉयलेट तक सब कलर आपको दिख गया। लेकिन जब सन इधर से इधर सन है, रे इधर पड़ा है, तब आपको इधर दिखेगा। ऐसे जब इधर ही आप देख रहे हैं तो फिर रेनबो कैसे दिखेगा? जिधर सन है उधर ही देखेंगे तो रेनबो दिखेगा नहीं, क्योंकि सपोज करो कि जो व्हाइट लाइट है ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर तुम्हारे पास आया, तब ये रेनबो दिखा, कि इसमें ये फेनोमेना इन्वॉल्व है। अगर सन इधर से इंसिडेंट हो और रिफ्रैक्ट होकर के लाइट तुम्हारे पास पहुंचे तब उससे रेनबो नहीं दिखेगा। तो रेनबो दिखने के लिए जरूरी है, सुबह के टाइम में जब रेनबो देखोगे तो पूरब में सन उगता है और पश्चिम में आप देखो तो पश्चिम में आपको दिखेगा। तो इसलिए अर्थ से जब रेनबो को दिखते हैं तो वो सेमी सर्कुलर दिखता है। तो हम लोग रेनबो के बारे में जितना एक्सप्लेन किए उसको लिख लेना है। ये हम नोट्स आपको दिखा रहे हैं, इस नोट्स को आप पॉज करके पहले लिख लीजिए। इसके बाद अगला फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में भी नोट्स पहले दिखा देते हैं, बाद में रिवाइंड करके आप लिख लेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में उसके नीचे लिखा है सम फेनोमेना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम लोग समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें हम एक इसका डेफिनेशन लिखे हैं, द प्रोसेस ऑफ रेडिएटिंग द लाइट बाय एटम्स और मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग। होता क्या है कि एटमॉस्फियर में, अर्थ के एटमॉस्फियर में जितना भी पार्टिकल है, पार्टिकल जैसे जितना भी गैस मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, जितना भी एटम है, मॉलिक्यूल है, वो सब पार्टिकल ही है, या फिर डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल्स को फिजिक्स के लैंग्वेज में स्कैटरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरर। तो जब सन से रे अर्थ तक पहुंचता है तो बीच में एटमोस्फियर है, 10 किलोमीटर तक एटमॉस्फियर है, अर्थ एटमॉस्फियर। तो सन से जब रे अर्थ तक पहुंचता है तो ये जो एटमॉस्फियर में डिफरेंट पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल सन रे उस पार्टिकल पर पड़ता है। ये एक पार्टिकल को हम दिखाए हैं जिसको स्कैटरर कहते हैं। जब सन से कोई व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट होता है, व्हाइट लाइट का मतलब जिसमें सातों कलर है, सन से जो रे आता है उसमें सातों कलर होता है, सातों विजिबल कलर होता है। ये व्हाइट लाइट जब किसी पार्टिकल पर पड़ता है तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके फिर लाइट जो है सब डायरेक्शन में इमिट करता है, लाइट को सब डायरेक्शन में इमिट करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं री रेडिएशन, मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फिर री रेडिएट कर दिया। इस फेनोमेना को स्कैटरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेडिएटिंग द लाइट By atoms or molecule in atmosphere in all direction is known as scattering।
अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रेले, जिनका नाम क्या था, रेले था। वो ऐसा कहे, वो क्यों कहे ये समझाएंगे, लेकिन वो कहे कि कोई भी स्कैटरर जो सन रे को एब्जॉर्ब करता है, वो स्कैटरर जब री रेडिएट करेगा तो उसमें जो लोअर वेवलेंथ वाला है, लोअर वेवलेंथ, उसका री रेडिएशन ज्यादा होता है। ये जो कलर है इसमें सातों कलर है, विवजियोर, जिसमें ये जो वेवलेंथ है ये लोअर वेवलेंथ इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे अपर वेवलेंथ, ये हाइयर वेवलेंथ है। वैसे वाई को तो मिडिल रे कहते हैं, वाई को मिडिल रे कहते हैं, ब्लू से इधर वाले को ब्लू इस कलर कहते हैं, ब्लू इस कलर, ब्लू इंडिगो और वायलेट, ये सब ऑलमोस्ट मिलता जुलता कलर है और इसको ब्लूइश कहा जाता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। और इस वाले पार्ट का वेवलेंथ जो है ऑरेंज रेड, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसको मिडिल रे कहते हैं हम लोग। तो जो लोअर वेवलेंथ है उसका री रेडिएशन ज्यादा होगा, ये कौन कहे, ये कहे रेले, कहे कि जब कोई लाइट किसी स्कैटरर पर पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि ये जो स्कैटरर है इसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। दो तरह का स्कैटरर होगा, एक स्कैटरर होगा एटम या मॉलिक्यूल जिसका साइज बहुत छोटा होगा, वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में होगा। जैसे कोई भी अगर मॉलिक्यूल हम लें तो उसका रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रम होता है, और लाइट का वेवलेंथ जो है वो आप देखें तो 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। तो उस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में एक एंगस्ट्रम या 10 एंगस्ट्रम अगर रेडियस है किसी मॉलिक्यूल का, एटम का तो रेडियस फर्मी के ऑर्डर में होता है, 10^-15 मीटर, तो वो तो बहुत छोटा हो गया। तो जो पार्टिकल लाइट के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में छोटा है, बहुत छोटा कहते तो ज्यादा अच्छा है, छोटा है, तो उस पार्टिकल में क्या होगा कि ये लोअर वेवलेंथ का री रेडिएशन ज्यादा होगा, अपर वेवलेंथ का रेडिएशन कम होगा, रेड का रेडिएशन सबसे कम होगा। इस क्राइटेरिया को रेले क्राइटेरिया कहते हैं। रेले क्राइटेरिया क्या है वो लिखे, अकॉर्डिंग टू रेले द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट का मतलब जो री रेडिएट हुआ, ये जो लाइट है ये स्कैटर्ड लाइट है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये जो लाइट का वेवलेंथ है, जितना वेवलेंथ है रेड से लेके वायलेट तक, तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसका इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4। लेकिन ये कब होगा, प्रोवाइडेड द साइज ऑफ स्कैटरर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर स्कैटरर का साइज लाइट के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तभी ये क्राइटेरिया वैलिड है, क्या कि इंटेंसिटी 1/λ^4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, कहोगे वायलेट का, और सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा, कहोगे रेड का। लार्जर द वेवलेंथ लेसर इज स्कैटरिंग। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कहोगे रेड का। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है, वायलेट का। अब वायलेट कहे या ब्लूइश कहे, हम लोग इसको एक साथ कहते हैं ब्लूइश, तो ब्लूइश जो कलर है उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है। तो ये फेनोमेना स्कैटरिंग है। अब ये जो फेनोमेना है ये बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन करता है। अब एक एक करके हम उस पर आते हैं कि ये किस किस चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो ये क्वेश्चन आपके 12th में आएगा कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये किस फेनोमेना पर इसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो आंसर होगा स्कैटरिंग। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, स्कैटरिंग के कारण क्यों होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। लैंग्वेज में आप लिखेंगे, जो नोट्स आपको दिए हैं उससे भी एक बार देख सकते हो, हिट ले सकते हो, लेकिन अपना लैंग्वेज होना चाहिए। कारण क्या है, सो देखो, ये सपोज करो सन है और सन से जो रे आएगा अर्थ पर, तो अर्थ के 10 किलोमीटर तक एटमॉस्फियर है। इस सन से जो रे आया
और अगर किसी स्कैटरर, अगर क्या 10 किलोमीटर तक जब एटमोस्फियर है तो बहुत सारा स्कैटरर है, और वो सब स्कैटरर पर सन रे इंसिडेंट होगा। आप जब स्काई को देखते हैं, सन को नहीं भाई, जब आप सन को देखेंगे तब तो वो कलर ब्लू नहीं होगा, आप जब स्काई को देखते हैं, अर्थ ये है, ये आप है, ये तुम्हारा आई है, ये आई अगर स्काई को देख रहा है, इधर देख रहा है, ये स्काई है, इधर नहीं देख रहा है, सन को नहीं देख रहा है, सन को आप डायरेक्ट देख भी नहीं सकते। जब आप स्काई को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि सन से जो रे आता है और कोई स्कैटरर पर पड़ा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम मॉलिक्यूल पर पड़ा, तो वो इस रे को स्कैटर कर देता है। इस रे को क्या करता है? स्कैटर कर देता है। स्कैटर करने का मतलब इसको एब्जॉर्ब करके फिर से री रेडिएट करता है। इस री रेडिएशन में सबसे ज्यादा कौन सा कलर होता है? ये ब्लूइश कलर होता है, इसको ब्लूइश कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा कलर होता है? ब्लूइश कलर होता है। ये जो सन रे है इसमें तो सब कलर है, रेड से लेकर के वायलेट तक सब है। तो यहां से जो रेड कलर था वो रेड कलर तो ऐसे निकल गया, उसका स्कैटरिंग नहीं हुआ। इसका स्कैटरिंग सबसे लिस्ट है, नेग्लिजिबल है, इसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है। तो ये जो रेड कलर है वो तो निकल गया, ब्लू कलर जो है वो सब डायरेक्शन में री रेडिएट हुआ। अब तुम यहां पर हो तो तुम्हारे पास कौन सा कलर पहुंचेगा? ब्लू कलर पहुंचेगा। तो आपको स्काई कैसा? स्काई का मतलब ये पार्टिकल, ये पार्टिकल कैसा दिखेगा भाई? अगर एटमोस्फियर नहीं रहता तब स्काई जो है आपको नहीं दिखता। कोई भी चीज दिखता कब है? जब वहां से रे तुम्हारे पास आता है। तो ये जो पार्टिकल है यहां से रे तुम्हारे पास जब आया है तब ये ऐसा दिखा है। तो ये ब्लू कलर यहां से आया है क्योंकि उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये ब्लू दिखता है। लेकिन अगर स्काई साफ है तब, स्काई क्लीन है तब वो ब्लू दिखेगा, ब्लूइश दिखेगा, ब्लू नहीं ब्लूइश दिखेगा। लेकिन स्काई अगर क्लीन नहीं है, सपोज करो स्मोक पार्टिकल डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तब वो आपको ब्लूइश नहीं दिखेगा, तब वो आपको रेडिश दिखेगा। तब कैसा दिखेगा? रेडिश दिखेगा, क्योंकि तब स्कैटरिंग नहीं होगा। क्योंकि अगर स्मोक पार्टिकल है या फिर डस्ट पार्टिकल है तो वो तो साइज बड़ा होता है, उसमें रेले क्राइटेरिया वैलिड नहीं होता है। उस केस में जो कलर जो सन रे आता है तो वो सब कलर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उस केस में ब्लूइश नहीं दिखेगा, क्योंकि उस केस में रेले क्राइटेरिया वैलिड नहीं है। उस केस में वो कैसा दिखेगा? रेडिश दिखेगा। तो स्काई ब्लू दिखता है जब स्काई साफ होगा तब। दूसरा फिनोमेना है रेडिश सनसेट एंड सनराइज, रेडिश सनसेट एंड सनराइज। सनसेट या सनराइज के समय सन जो है वो रेडिश दिखता है, रेड कलर का दिखता है। क्यों? इसको एक्सप्लेन कर। ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमोस्फियर है, ये डिफरेंट लेयर में एटमोस्फियर को डिवाइड किए हैं। जब सन दोपहर के समय में होगा तो अर्थ का जो एटमोस्फियर है वो सबसे कम डिस्टेंस रे ट्रेवल करेगा। लेकिन जब सन सेट पर या सन राइज पर होता है तब ये सन हॉरिजन पर होता है, और हॉरिजन पर होने के कारण सन से जो रे निकलता है, यहां से तो सन से जो रे निकला है वो तो व्हाइट लाइट है, यहां से यहां तक ये व्हाइट लाइट है, कोई एटमोस्फियर नहीं था। लेकिन जैसे ही एटमोस्फियर में इंटर किया तो यहां पर एक पार्टिकल मिला, फिर एक पार्टिकल मिला, फिर एक पार्टिकल मिला, बहुत सारा पार्टिकल इसको मिला। ये वाला पार्टिकल जब सन रे को एब्जॉर्ब किया तो ये वाला पार्टिकल जो है वो रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया, रेड कलर को जाने दिया, बाकी ब्लूइश कलर को जो लोअर वेवलेंथ है उस कलर को ये एब्जॉर्ब करके फिर ये री रेडिएट कर दिया सब डायरेक्शन। यहां से रेड कलर तो बाहर निकल गया क्योंकि उसका तो स्कैटरिंग होता नहीं है या बहुत कम होता है। अब रेड कलर जो है आगे जब यहां पर गया तो इस वाले कलर में कुछ रेड था, कुछ ब्लूइश था, सबसे ज्यादा रेड था। ये रेड कलर जब इसके पास पहुंचा तो ये भी रेड कलर को नहीं लिया क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, उसका स्कैटरिंग नहीं होगा। ये स्कैटरर भी उसको छोड़ दिया। तो जितना भी स्कैटरर है वो सब रेड कलर को तो छोड़ते गया और ब्लू कलर को जो है लेकर के अलग अलग डायरेक्शन में उसको डिप्रेड मतलब उसको बिखेर दिया। स्कैटर का मतलब बिखेर देना, उसको बिखेर दिया। अब ये जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर के पास कौन सा कलर पहुंचा सबसे ज्यादा? रेड।
तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे निकला और यहां पर कौन सा रे पहुंचा? रेड। इसलिए ऑब्जेक्ट रेड दिखा। तो हॉरिजन पर जब होता है तो रेड दिखा। तुम कहोगे सर दोपहर के समय में कैसा दिखता है? तो दोपहर के समय में उसको आप देख ही नहीं सकते। दोपहर के समय में देखोगे तो सबसे पहले तो देख नहीं सकते क्योंकि उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। शाम या सुबह के समय में चूंकि बहुत दूर होता है इसलिए वहां स्कैटरिंग होने का चांस ज्यादा है, ज्यादा स्कैटरिंग होगा और डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी घट जाता है। लेकिन दोपहर के समय में इसको आप नहीं देख सकते और अगर देखेंगे भी तो स्कैटरिंग कम होगा, मतलब रेडियस बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि अर्थ का जो एटमोस्फियर है उसका विड्थ कम वो ट्रेवल करेगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। यहां पर जब आप स्काई को देखते हैं तो वो ब्लूइश दिखता है क्योंकि ब्लू कलर यहां से चल के इसके पास आता है, लेकिन जब सन को देखते हैं तो दोपहर में सन को आप देखिए मत, या देखेंगे तब भी वो रेडिश नहीं दिखेगा। वो जो है सन से जो रे आया है उसमें मैक्सिमम कलर रेड का रहेगा, लेकिन इस समय और इस समय इसका कैसा दिखेगा? रेडिश दिखेगा क्योंकि रेड कलर का डिस्पर्स स्कैटरिंग सबसे कम होता है। ये दो और फेनोमेना है। एक फेनोमेना है डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल जो होता है उसका कलर रेड रखा जाता है इसलिए क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है। अगर सिग्नल रेड है इसका मतलब वहां से जो लाइट निकल करके आएगा वो रेड होगा, और जब वो लाइट हमारे पास आएगा तो बीच में जो पार्टिकल मिलेगा उससे वो स्कैटर्ड नहीं होगा क्योंकि रेड लाइट का स्कैटरिंग लिस्ट होता है या नहीं होता है। तो डेंजर सिग्नल रेड है, कोई भी वस्तु रेड या ग्रीन या किसी कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वहां से वही लाइट निकल के आता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर रेड कलर का सिग्नल रहेगा तो वहां पर जो व्हाइट लाइट पड़ा, सन का रे पड़ा, तो वहां से निकल करके कौन सा रे आया? रेड लाइट। और रेड का स्कैटरिंग हुआ नहीं तो पूरा का पूरा लाइट हमारे पास पहुंच गया। अगर वो ब्लू कलर का रहेगा या वो वायलेट कलर का रहेगा तो वायलेट कलर वहां से निकलेगा लेकिन मैक्सिमम तो स्कैटर हो जाएगा, तो वो हमको साफ नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए डेंजर सिग्नल को कैसा रखते हैं? रेड रखते हैं। किस फेनोमेना से एक्सप्लेन करेंगे? स्कैटरिंग से। क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। क्लाउड बादल जो है वो व्हाइट होता है क्योंकि क्लाउड में स्मोक पार्टिकल होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, और वो रेले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है क्योंकि उसका जो साइज है वो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, तो उसमें स्कैटरिंग नहीं होगा। व्हाइट लाइट सन से लिया, उसमें कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी व्हाइट लाइट को नीचे आगे जो है आगे ट्रेवल कर लिया, तो व्हाइट लाइट ही हमारे पास पहुंचता है इसलिए व्हाइट दिखता है। देखते हो कभी कभी जो है क्लाउड वो ब्लैक दिखता है। ब्लैक इसलिए दिखता है कि सन से जो रे आता है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ब्लैक दिखेगा।